हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि आप आपके फ़ोन से फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्नैपसीड का ऐप डाउनलोड किया है। आप चाहो तो कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, लाइटरूम यूज़ कर सकते हो या फिर आपका फ़ोन का जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है एडिटिंग का वो भी यूज़ कर सकते हो। दैट डजंट मैटर, मोर कंसिडरेशन ये है कि आप एडिटिंग कर क्या रहे हो, जो आप टूल्स यूज़ करने वाले हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आपको कैसे एडिटिंग करना है। आपके सामने एक इमेज है, एक नेचुरल लुकिंग इमेज है, पर थोड़ी सी डल लग रही है, थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद इसी फोटो को ज़्यादा ब्यूटीफाई और एनहेंस करेंगे, जिसके वजह से ये फ़ोटो बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे फ़िल्टर्स दिए गए हैं, पर यार अगर फ़िल्टर्स ही यूज़ करने थे तो इंस्टाग्राम में भी मिलते हैं और काफ़ी और जगह है जहाँ पे फ़िल्टर्स मिलते हैं। और इससे क्या होता है ना, एक ऑटोमेटिक मिल जाता है आपकी इमेज को। हम यहाँ पे पर्सनलाइज और कस्टमाइज इफ़ेक्ट बनाने वाले हैं आपकी फ़ोटो के लिए, और आपको एक्चुअली हर फोटो के लिए ऐसा एडिटिंग करना चाहिए जिसमें आपका एक पर्सनल टच भी ये फ़ोटो को मिल जाएगा। तो अब इसको हम लोग पहले करेंगे फ़ाइन ट्यूनिंग, जिसके वजह से जो सब्जेक्ट की ब्राइटनेस है वो बढ़ाएंगे। अंडर एक्सपोज था, उसको थोड़ा सा एक्सपोज बराबर किया। उसकी जो कलर है, स्किन की कलर है, उसको थोड़ा सा ठीक किया। वार्म्थ इफेक्ट देखे, नेचुरल लाइट है, इंडियन स्किन टोन है, तो येलो कलर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही डल लग रहा था, कलर्स भले ग्रीनरी है पर तो भी डल लग रहा था। तो हम लोग ने क्या किया, इसको पॉपअप कर दिया, थोड़ा ग्रीन है तो और थोड़ा सा लेमनी ग्रीन कर दिया, थोड़ा सा ब्राइट कलर दे दिया। उनके कपड़े हैं उसको भी थोड़ा सा पॉपअप कर दिया। इससे क्या होता है ना, पूरी की पूरी इमेज में ना जान आ जाती है। आपको यही करना है, चाहे आप ये इमेज लो या तो फिर आप मतलब सपोज़ कोई स्काई डाइविंग में गए हो, ऐसी कोई भी इमेज ले लो जहाँ पे स्काई सामने आ रहा है या घर का बैकग्राउंड है। आपको यही करना है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है और सब्जेक्ट है, इसमें आप पहले तो जो बेस चीज़ें हैं उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो वो पहले करेक्ट कर दो। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये पूरी की पूरी इमेज को एक साथ कैसे करना है। इसके लिए आपको एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा। मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लू और हल्की सी येलो डाल दी है, जिसकी वजह से पूरी इमेज एक साथ लग रही है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्किन है उसको थोड़ा सा ग्लो देंगे, ग्लैमर ग्लो का ऑप्शन है, तो उसके क्या होगा ना, इनकी जो स्किन है उसको टचअप कर देंगे। सारे सॉफ्टवेयर में ये एक जो टचअप वाला ऑप्शन अब कॉमन हो गया, उनकी स्किन को वगैरह सबको टचअप कर दिया। देखिए अब ये हो गया एक अच्छी इमेज, ग्लो अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। तो आपने इस पूरी इमेज को एक साथ ले लिया। अब आपको समझना है कि इसी फ़ोटो को आपको ज़्यादा एनहेंस और ब्यूटीफाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एक विग्नेट इफेक्ट देना है, जिसके वजह से सबसे पहले जो आपका फोकस रहेगा वो मेन सब्जेक्ट पे आ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर और भी कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है, वार्म कलर और वगैरह सब देना है। पर इनके जो बाल है वो थोड़े से ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं, जो उनका ब्लाउज है वो शिमरी है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो उनका स्कर्ट है और उनके जो हाथ है कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्सपोजर इशूज़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक एडिटर को ध्यान रखनी है। जो इमेज खींची हुई है उसको अब ज़्यादा बेहतर करना है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको एडिटिंग की स्किल से कम करना है, राइट? तो उसकी जो शिमरी ब्लाउज़ है उसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दिया, और उसका जो हाथ है वो जो अंडर लग रहा था उसको थोड़ा सा स्किन के साथ मैच कर दिया। उनके बाल जो थोड़े से ब्राइट लग रहे थे उनको थोड़ा ब्लैकिश कलर कर दिया। ये सारी चीज़ों की वजह से ना ये इमेज को एक डेप्थ मिलती है, जो देखने वाला इंसान है उसको ये इमेज ज़्यादा बेहतर लग रही है। आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको जो इमेज दी गई है आपको उसको ऐसे एडिटिंग करना हो कि वो नेचुरल लगे, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा कि उसी की जो नेचुरल लुकिंग है ना उसमें एकदम एनहेंस चीज़ लगनी चाहिए। और अगर आप उस पर बहुत सारा एडिटिंग करते हो, जो आजकल काफ़ी लोग करते हैं, इससे क्या है ना, उसकी जो रियल फील है, जो उसकी नेचुरल इफेक्ट है वो मर जाती है। बहुत लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद भी नहीं आती। एक दो फोटो आप ऐसा बनाओगे तो ठीक है, पर ज़्यादातर आपको ऐसी इमेज एडिट करनी चाहिए, ऐड कर सकते हो। और